आज की सभा के प्रमुख अतिथि माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी, जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, मेरे भारत स्वाभिमान अभियान में कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके यहाँ के जो आईजी महोदय हैं उज्जैन जोन के श्री पवन जैन जी, जिनकी कविताएं हमने बार बार सुनी हैं हरिद्वार में, आस्था चैनल पर भी आई हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित डीआईजी श्री आदर्श कटियार जी, माननीय विधायक श्री पारसमल जी, माननीय विधायक श्री मनोहर भाई, एसपी रतलाम श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, जिनके अथक प्रयासों से मैं आपके बीच में आ सका, एसपी नीमच श्री राधेश्याम जी और एसपी मंदसौर श्री डीपी गुप्ता जी, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से माननीय श्री वेद प्रकाश जी शर्मा का, जो पुलिस अधीक्षक हैं रतलाम के, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पांजलि का, जो हमारे भारत स्वाभिमान की मध्य प्रदेश की राज्य प्रभारी हैं, उनके बार बार अनुरोध के कारण मैं यहाँ पर आ सका और मुझे आप सबसे संवाद करने का मौका मिला। मुझे बहुत आनंद है, खुशी है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी का कुछ संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। कुछ बातें उनके द्वारा जो मुझे कही गई हैं, क्योंकि मैंने इस कार्यक्रम के बारे में स्वामी जी को जब बताया कि मैं रतलाम जा रहा हूँ, क्या कहूँ, तो उन्होंने कहा कि दो तीन बातें जरूर कहना मेरी तरफ से। तो जो बातें उन्होंने मुझे कही वो मैं पहले कहूंगा, बाद में कुछ मेरी बात करूंगा। सबसे पहले परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने जो आपके लिए कहा है वो ये कि ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति अपना काम अच्छे तरीके से करें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता सदस्य एकदम स्वस्थ हों, निरोगी हों, उनका जीवन रोग मुक्त हो, उनका जीवन प्राण युक्त हो, चिकित्सा मुक्त हो, ये बहुत आवश्यक है। अगर नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सभी सदस्यों को बीमारियां हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है हाई या लो, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को सिर में दर्द है, किसी को सर्दी जुकाम बार बार होता रहता है, किसी को बुखार बार बार आता रहता है, अगर ऐसी बीमारियों में आप घिरे हुए हैं तो आप जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो नगर की क्या करेंगे, गांव की क्या करेंगे। तो परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे कहा कि सबसे पहली बात तो मेरी तरफ से ये कहना कि नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता स्वस्थ हों, निरोगी हों, संपूर्ण रूप से तन और मन से किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो, ये उनका पहला संदेश है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब आप ये पूछेंगे मुझसे कि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए रोज नियमित सवेरे 5 बजे उठकर थोड़ी देर प्राणायाम कर लें, थोड़े योग आसन कर लें। प्राणायाम और योग आसन आपको निशुल्क रूप में सिखाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रतलाम, नीमच और मंदसौर तीनों ही स्थानों पर भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता हैं, पतंजलि योग पीठ के योग शिक्षक हैं, वो आपके बीच में आकर योग की कक्षाएं ले सकते हैं और आप सबको ये सब बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। हमारे माननीय श्री वेद प्रकाश शर्मा जी योग में बड़े अच्छे पंडित हैं, प्राणायाम बहुत अच्छे से जानते हैं, खुद करते हैं, सिखाते रहते हैं, पुलिस वालों को बताते रहते हैं, वो भी आपको ये सब बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। आप में सीखने की ललक थोड़ी पैदा हो जाए तो सिखाने वालों की कोई कमी नहीं है। भारत में लगभग 11 लाख योग शिक्षक हैं जो प्रतिदिन निःशुल्क रूप से योग कक्षाएं लेते हैं और आपके जैसे करोड़ों लोगों को योग और प्राणायाम सिखाते हैं। तो आप ये थोड़ा सीख लीजिए, बहुत आसान है। सांस को कैसे भरना है, सांस को कैसे निकालना है, छोटा छोटा प्रयासों से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत, प्रणव, ये 5-7 प्राणायाम आप नियमित करते रहें
निश्चित रूप से आप निरोगी हो जाएंगे, क्योंकि करोड़ों भारतवासी ये प्राणायाम करके निरोगी हो चुके हैं। जिनको ब्लड प्रेशर रहता था 20-20 साल से, जिनको डायबिटीज थी 20-20 साल से, जिनके हृदय में तीन तीन ब्लॉकेज थे, डॉक्टरों ने जिनका कह दिया था कि बचने की दूर दूर तक संभावना नहीं, जो कैंसर के मरीज थे, अर्थराइटिस में जो बिस्तर पर हमेशा पड़े रहते थे, उठ नहीं सकते थे, ऐसी गंभीर बीमारियों के बहुत सारे लोग इस देश में निरोगी हो चुके हैं, थोड़ा सा योग थोड़ा सा प्राणायाम करके। तो परम पूजनीय स्वामी जी का पहला आपके लिए संदेश है कि आप नियमित रूप से थोड़ा योग करें, थोड़ा प्राणायाम करें, स्वस्थ बने, और आप स्वस्थ होंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ परिवार सुखी परिवार होता है, और जो आदमी सुखी होता है वो दूसरों को सुख दे सकता है, दुखी आदमी कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकता। तो आप सब ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सदस्य सुखी बने, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल ही है सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सब सुखी बने, ये तभी संभव है जब निरोगी होंगे, और निरोगी होने के लिए बहुत आसान तरीका है, सुबह थोड़ा आधा घंटे 45 मिनट अगर हो सके तो 1 घंटे का प्राणायाम और योग। अगर आपके घरों में टेलीविजन की व्यवस्था है और केबल कनेक्शन अगर आपके पास है, तो आस्था चैनल पर परम पूजनीय स्वामी जी खुद सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक हर दिन बिना किसी रुकावट के ये योग और प्राणायाम सिखाते हैं। वो आप आस्था चैनल खोलकर कभी भी बैठ के देख सकते हैं, चैनल पर देखकर, टीवी पर देखकर सुन सकते हैं, और हमारे योग शिक्षकों से सीख सकते हैं। दूसरा संदेश परम पूजनीय स्वामी जी ने जो दिया है आप सभी के लिए, वो ये कि नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से व्यसन मुक्त हों, उनके जीवन में कोई व्यसन ना हो, बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, गुटखा ना खाएं, शराब ना पिए, अफीम का कश न लगाएं, मारीजुआना का कश न लगाएं, किसी भी तरह का कोई व्यसन ना करें। स्वामी जी ने ये दूसरा संदेश दिया है। उनका ये कहना है कि अगर आप व्यसन में फंसेंगे तो आप समाज में कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, और अगर आप समाज में आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकते तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, और अगर समाज का व्यक्ति आपकी बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, तो आपकी बातों का वजन नहीं होगा, और आप जो करना चाहते हैं वो काम नहीं होगा आपसे। इसलिए आपसे स्वामी जी ने कहा है कि आप पूरी तरह से व्यसन मुक्त हो, शराब ना पिए, गुटखा ना खाएं, बीड़ी सिगरेट ना पिए, तंबाकू ना खाएं, किसी तरह की कोई जहरीली दवाओं का कष ना लेना शुरू करें, और अगर ले रहे हैं या ऐसा कोई व्यसन कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस व्यसन से आप मुक्त हो जाएं, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। आप ये कहेंगे कि हम तो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो व्यसन नहीं करते, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं जिन्होंने अपने जीवन में सब तरह के व्यसन छोड़ दिए हैं, लेकिन जो छोड़ नहीं पाए हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से उनके मन को इतनी शक्ति मिले कि वो इस व्यसन को छोड़ सके। मैं एक छोटी सी दवा आपको जरूर बता सकता हूं। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हों जो ये कहें कि हम व्यसन छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है, बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि बार बार हमें मालूम है कि ये गुटखा खाना अच्छा नहीं है लेकिन तलब उठ जाती है, क्या करें, बार बार लगता है कि ये बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं है लेकिन तलब हो जाती है तो क्या करें, हमें मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है लेकिन तलब आ जाती है तो क्या करें। तो आपको बीड़ी सिगरेट की तलब ना आए, गुटखा खाने की तलब ना लगे, तंबाकू खाने की तलब ना हो, शराब पीने की तलब ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि जिनको बार बार तलब लगती है और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, इसका माने उनका मन कमजोर है, और परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं कि मन को मजबूत बनाओ। मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूं, आलती पालती मार के, इसको हम सुखासन कहते हैं, आंखें बंद कर लो,
दाहिनी नाक बंद कर दो और खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो। खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो। जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं उसको सक्रिय कर दो। जितनी ज्यादा सक्रियता आपके चंद्र नाड़ी की होती जाएगी, मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी और आप इतने संकल्पवान हो जाएंगे जो आसानी से कोई भी बात ठान लेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे। ये एक तरीका है, बहुत आसान है, ये भी प्राणायाम का ही तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि आपके घर में एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसको आप सब जानते हैं और पहचानते हैं, हम उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं लोगों का व्यसन छुड़वाने में, और उस औषधि का नाम है अदरक। अदरक हम सबके घर में है। इस अदरक के टुकड़े कर लो छोटे छोटे, उसमें नींबू निचोड़ दो, थोड़ा सा काला नमक मिला लो और इसको धूप में सुखा लो, सूरज की धूप में इसको सुखा लो। सूखने के बाद जब इसका पूरा पानी खत्म हो जाए, ये अदरक के टुकड़े हमेशा अपनी जेब में डाल के रखो। जब भी दिल करे कि तंबाकू खानी है, गुटखा खाना है, बीड़ी सिगरेट पीनी है, तो आप एक अदरक का टुकड़ा निकालो, मुंह में डालो, उसका चूसने का काम शुरू कर दो। और ये अदरक ऐसी अद्भुत चीज है, इसको दांत से काटो मत तो सवेरे से शाम तक ये मुंह में आपके सुरक्षित रहता है। इसको चूसते रहो, आपको गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी, आपको बीड़ी सिगरेट पीने की तलब ही नहीं आएगी और दारू की तलब भी छूट जाएगी। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर से बता देता हूं, अदरक ले लो छोटे टुकड़े कर लो, नींबू निचोड़ लो, फिर उसमें काला नमक मिला लो, धूप में सुखा लो। सुखाने के बाद वो तैयार हो गया, तैयार होके इसको जेब में रखो, पुड़िया बना के रखो, डिब्बी में रखो, जैसे भी है जेब में रखो। जब दिल में तलब उठे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, गुटखा खाना, एक गुटखा माने एक टुकड़ा इस अदरक का निकाल के जीभ पे रखो, चूसना शुरू कर दो। जैसे ही वो रस आपके लार में घुलना शुरू हो जाएगा, आप देखना इसका चमत्कारिक असर होगा। आपको फिर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू याद ही नहीं रहेगी। सवेरे से शाम तक चूसते रहो, और जो दो चार दस दिन, पंद्रह दिन, बीस दिन लगातार कर लिया तो हमेशा के लिए व्यसन आपका छूट जाएगा। आप बोलेंगे ये अदरक में ऐसी क्या चीज है? ये अदरक में एक रासायनिक तत्व है जिसको हम रसायन शास्त्र की भाषा में, केमिस्ट्री में कहते हैं सल्फर। अदरक में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में है। जब हम अदरक चूसते हैं तो वो सल्फर है जो अदरक का निकल के हमारी लार के साथ मिलके अंदर जाने लगता है, और ये सल्फर जब खून में घुलने लगता है तो ये सल्फर कुछ ऐसे शरीर में हार्मोन्स को, कुछ ऐसे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है जो व्यसन नहीं करने के लिए आदमी को प्रेरित करती है। जो विज्ञान की रिसर्च है आज तक सारी दुनिया में, वो ये कहती है कि कोई भी आदमी व्यसन के अधीन जब जाता है तब जब सल्फर की मात्रा उसके शरीर में बहुत कम हो जाती है, तो उसको बार बार तलब लगती है बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू की। तो सल्फर की मात्रा आप पूरी कर दो बाहर से, ये तलब खत्म हो जाती है। इसका मैंने हजारों लोगों पर परीक्षण किया है और बहुत अच्छे सुखद परिणाम है। बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है, बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि आदि सब छूट जाता है। तो आप इसका उपयोग कर लो। और इसका एक दूसरे उपयोग का तरीका बताता हूं। अदरक के रूप में सल्फर हमारे प्रकृति ने हमको भरपूर मात्रा में दिया है, बहुत सस्ता है। इसी सल्फर को होम्योपैथी की दवा के दुकान पे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई भी होम्योपैथी दवा की दुकान पे चले जाओ और उस दवा बेचने वाले विक्रेता से ये कहो कि मुझे सल्फर नाम की दवा दे दो, वो दे देगा आपको, एक छोटी सी शीशी में भर के दे देगा। और सल्फर नाम की दवा होम्योपैथी में पानी के रूप में आती है, प्रवाही रूप में आती है, जिसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये पानी जैसी आएगी, दिखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये पानी है, वो दवा एक छोटी शीशी में ले लो। 5 मिलीलीटर दवा की शीशी 5 रुपए में आती है, और उस दवा का एक बूंद जीभ पे डाल लो,
सवेरे सवेरे खाली पेट, फिर अगले दिन और एक बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, और तीसरे दिन एक बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट। बस तीन बार अगर आपने एक एक बूंद डाल ली तो 50 से 60% लोगों की दारू बीड़ी सिगरेट तो तीन खुराक में ही छूट जाती। और जो ज्यादा पियक्कड़ हैं, हाँ ऐसे भी है ना, जिनकी शाम बिना पिए गुजरती ही नहीं, उसके बिना तो उनका काम चलता ही नहीं, तो उनको ये निवेदन है कि ये सल्फर नाम की दवा को हर हफ्ते एक बार ले लिया करें। आज ले लिया, 5-6 दिन बाद फिर ले लिया, फिर 5-7 दिन बाद ले लिया, हफ्ते में एक एक बार लेते जाएं तो 1.5-2 महीने में बड़े बड़े पियक्कड़ों की दारू छूट जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की दारू छुड़वाई है जो सवेरे सोकर उठने से पीना शुरू करते थे और रात तक सोने तक पीते रहते, उनकी भी दारू छूट गई है। बस इतना ही है कि 2-3 महीने का समय लगा है। तो ये सल्फर दवा अदरक में भी है, बाजार में मिलती है, होम्योपैथी की दुकान पे। अब इस दवा को जब आप खरीदोगे तो दुकानदार आपसे एक सवाल पूछेगा, वो पूछेगा कितनी ताकत की दवा दूं, कितनी पोटेंसी की दवा दूं। तो जब आप लेना इस सल्फर को तो उस दुकानदार से कह देना 200 ताकत की दे दो, 200 पोटेंसी की दे दो। सल्फर 200, यही उसका पूरा नाम है, 200 संख्या है, सल्फर दवा का नाम। तो यह सामान्य रूप से बीड़ी सिगरेट शराब दारू वगैरह वगैरह के लिए काफी है। और जो ज्यादा पीने वाले हैं, बहुत ज्यादा जिनकी दारू है, तो उनके लिए यही सल्फर की 1000 ताकत की दवा ले लेना, 1000 पोटेंसी की। तो सल्फर 200 और सल्फर 1000। और अगर आप सब ग्राम रक्षा समिति की तरफ से एक बोतल खरीद लो, इसकी बहुत सस्ती आती है, ऐसे खरीदोगे तो 5 रुपए में 5 मिलीलीटर है, और बड़ी बोतल खरीद लो 250 मिलीलीटर की या 450 मिलीलीटर की, वो 150-200 रुपए की आती है। और एक बोतल सल्फर दवा में 10,000 लोगों की शराब आसानी से छूट जाती है, मात्र एक बोतल में। और वो बोतल कितने की है, 225-250 रुपए की, और 10,000 लोगों के लिए वो काम आ जाती है। और कभी कभी इस दवा को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हो तो एक बूंद सल्फर को पानी में डाल देना, जो पीने वाला पानी है, और वो पानी जो शराबी लोग हैं, जो पियक्कड़ लोग हैं, जो व्यसन करने वाले लोग हैं, उनको पिला देना, ये पानी में और अच्छे से काम करती है। कई बार तो मैंने ऐसा भी किया है कि एक बाल्टी पानी ले लिया, उसमें एक बूंद डाल दिया, अब वो पूरा पानी ही दवा हो गया, उसमें से एक एक चम्मच पिला दिया लोगों को, तो भी व्यसन उनके छूट जाते हैं। तो एक बता दिया मैंने आपको अदरक, उसका इस्तेमाल करना है व्यसन छोड़ने के लिए, और दूसरा बता दिया मैंने आपको सल्फर जो होम्योपैथी में है, एक 200 ताकत की, एक 1000 ताकत की। और पहली बात जो सबसे पहले मैंने बताई कि मन को थोड़ा मजबूत कर लो तो बाई नाक से सांस लेना, बाई नाक से सांस निकालना 5 मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से सब तरह की कमजोरी मन की खत्म हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा और आखिरी संदेश जो स्वामी जी ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये बात आप सबको मैं जरूर कहूं, स्वामी जी ने कहा कि आप अपने जीवन में हिंदू हैं या मुसलमान, सिख हैं या ईसाई, जैन हैं या बौद्ध, ये सब अपने घर तक सीमित रखो। हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, ये सब हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रखो, अपने घर तक सीमित रखो। जब आप ग्राम रक्षा समिति का काम करने के लिए निकलो तो आप सब भारतवासी हो और भारतीय हो, सिर्फ इतना ही याद रखो। काम करने के लिए हम जब घर के बाहर निकल गए तो हम सब भारतीय हैं, घरों के अंदर जब तक हम हैं तो पूजा पद्धतियां हमारी सबकी अलग अलग हैं। कोई हिंदू तरीके से पूजा करेगा, कोई मुस्लिम तरीके से करेगा, कोई जैन होगा, कोई बौद्ध होगा। तो घरों के अंदर हम हिंदू सिख ईसाई जैन धर्म बौद्ध धर्म पालने वाले व्यक्तिगत लोग हैं, घर के बाहर निकलते ही हमें भूल जाना है कि हम हिंदू हैं,
कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, हमें एक ही बात याद रखनी है कि हम सब भारतीय हैं, भारत माता के सुपुत्र हैं, भारत माता की सुपुत्रियां हैं, भारत माता हम सब की माता है, हम आपस में भाई बहन हैं, तो मिलकर अपने भारत माता की रक्षा करनी है, मिलकर अपने भारत माता की सुरक्षा करनी है। भारत माता पूरा देश, उस पूरे देश में आपका एक राज्य, आपके एक राज्य में आपके छोटे छोटे कुछ जिले, जिलों में आपके छोटे छोटे गांव और गांव में छोटे छोटे मोहल्ले, ये हर छोटी इकाई भारत माता की ही इकाई है। आपके गांव का मोहल्ला हो या शहर का मोहल्ला हो, ये एक छोटी इकाई है भारत माता की। तो इन सब छोटी छोटी इकाइयों की रक्षा हमें करनी है, इसी के लिए ये ग्राम सुरक्षा समिति या नगर सुरक्षा समितियों का गठन हुआ है। ये संकल्प हमें लेके काम करना है कि हम भारतवासी हैं, अपनी भारत माता की भूमि की एक एक इंच जमीन की रक्षा हमें करना है, अपराधियों से, उन सब लोगों से जो देश को तोड़ने के काम में लगे हैं, विघटन करना चाहते हैं इस देश का, इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तरीके उनके कुछ भी हों, हमें उनके तरीकों को नाकामयाब बनाना है, असफल बनाना है और अपने संकल्पों को सफल बनाना है और सार्थक बनाना है। स्वामी जी के ये तीन संदेश हैं आपके लिए। पहला संदेश कि आप सब निरोगी हों, रोग मुक्त हों, चिकित्सा पर आपको कोई पैसा खर्च ना करना पड़े, ज्यादा दवाएं आपको ना खानी पड़े, उसके लिए योग प्राणायाम करें। दूसरा संदेश स्वामी जी का, आप व्यसन मुक्त हों, किसी भी तरह के व्यसन में ना फंसें। और तीसरा और आखिरी संदेश स्वामी जी का कि हम सब सार्वजनिक जीवन में भारतीय बने, व्यक्तिगत जीवन में हिंदू मुसलमान कुछ भी हो, भारतीय होकर इस देश के लिए काम करें। ये तीन संदेश स्वामी जी ने कहा था कि जरूर मैं दूं आपको जब रतलाम जाऊं, तो ये मैंने स्वामी जी के संदेश आपको दिए। अब स्वामी जी के संदेश को बढ़ाते हुए एक बात मैं और कहना चाहता हूं मेरी तरफ से कि आप अगर निरोगी और रोग मुक्त होना चाहते हैं और उसके लिए योग प्राणायाम एक साधन आपके पास है, एक दूसरी छोटी सी बात और कहना चाहता हूं आपको उसको जोड़ते हुए कि हमारे योग और प्राणायाम की जो शिक्षा हम लेते हैं ना, वो अष्टांग योग के सूत्र वाली है। पतंजलि योग दर्शन में ये दर्शन की बात है, सिद्धांत जो है वो अष्टांग योग के हैं, माने आठ अंग हैं उसके योग के। और इन आठ अंगों में जो सबसे पहले दो अंग हैं वो यम और नियम हैं। तो यम नियम का पालन हम करते हुए योग आसन प्राणायाम आदि करते हैं तब इसका पूरा लाभ होता है। तो मैं आपको आपकी जिंदगी के लिए छोटे छोटे कुछ चार नियम बताना चाहता हूं और ये चार नियम का पालन आप सब करिए। मैं आपको विनम्रता पूर्वक लेकिन विश्वास से कहता हूं कि ये चार नियम का जो भी पालन करेगा, जिंदगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएंगे नहीं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी खुद 40-45 साल से इन चार नियमों का पालन करते हैं। आप भी अगर ये पालन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी करता हूं मेरे जीवन। मैं पिछले 15 वर्षों से योग प्राणायाम करता हूं, उसके साथ कुछ नियम मैंने बनाए हैं, वो नियम का पालन करता हूं और वही नियम आपको बताना चाहता हूं। स्वामी जी पालन करते हैं, मैं करता हूं, हमारे लाखों योग शिक्षक करते हैं और इन नियमों का पालन करने से हमको इतना लाभ हुआ है कि कभी बीमारी आती नहीं। 15 साल से मैंने हर बार मेरा बीपी चेक किया, नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। पिछले 15 साल में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, गला भी नहीं बैठा, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। और वो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम निरोगी हैं, स्वस्थ हैं। ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद की एक छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है, रोग मुक्त होना है, तो अपने जीवन में तीन बातों का ध्यान रखे, अपना वात, पित्त और कफ, तीनों का संतुलन रखे। वो तीन तरह के दोष हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त, कफ, आपने सुना होगा, ये त्रिदोष आधारित शरीर है। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज्यादा रोग आते हैं, जब पित्त बहुत बिगड़ जाता है तो लगभग
46 से 50 रोग आते हैं, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग आते हैं, और वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाएं तो 148 रोग आते हैं। सर्दी खांसी जुकाम से लेकर और कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है, ये सब वात पित्त कफ के बिगड़ने का खेल है। तो इस देश के आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे चरक ऋषि, जैसे सुश्रुत ऋषि, ऐसे एक ऋषि हुए बाघभट्ट। बाघभट्ट ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, और एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने 7000 नियम बताए हैं, उनमें से 4 बताता हूं। अच्छे लगे तो आज से ही पालन करो, और दूसरों को भी बताओ ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े। ये चारों नियम हैं वात पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए। अब वात पित्त कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहें तो उसके लिए पहला नियम है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। ये पहला नियम है। आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है, खाना खाते ही पानी पीते हैं हम तो सबके सब, और बिना पानी पिए खाना ही नहीं खाते। कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, खाना कम खाते हैं पानी ज्यादा पीते हैं। ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना, क्योंकि महर्षि बाघभट्ट कहते हैं भोजनांते विषम वारी, माने भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है। इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पिए, कारण बता दो। कारण मैं बताना चाहता हूं सरल भाषा में। हम जब खाना खाते हैं ना तो पेट में सारा खाना इकट्ठा होता है, पेट में एक स्थान होता है उसको हम कहते हैं जठर, संस्कृत में हिंदी में जठर कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते हैं। ये जठर छोटा सा स्थान है, आपके पेट में नाभि है ना उसके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ छोटा सा स्थान है, सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है। जो भी आप खाते हो, रोटी चावल दाल सब्जी दूध दही कुछ भी खाओ, सब कुछ जठर में आता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती और उस आग को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोल देते हैं जठराग्नि। आप जैसे ही खाना खाते हो पेट में जठर में अग्नि जलती है, वो अग्नि खाने को पचाती है, और अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में आप अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो, दूध में थोड़ा चावल डाल दो, अग्नि जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी। आप घर में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर पानी रख दो, उसमें दाल डाल दो, दाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अग्नि जलेगी। ऐसे ही पेट में होता है, जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जलती है, और जब तक अग्नि जलती है तो खाने के पचने की क्रिया चलती है। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है, इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कह देते हैं। तो आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई, अब वो खाने को हजम करेगी पचाएगी। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप कि जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जल गई और वो खाने को पचा रही है, तुरंत आपने गट 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 पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया, क्या होने वाला है, अग्नि जलेगी कि बुझेगी? अग्नि के ऊपर पानी डालो तो अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है, पानी अग्नि को बुझा देता है। तो आपने खाना खाया, अग्नि जली, पीछे से गटगट पानी पी लिया, अब अग्नि शांत हो गई, अब खाना पचेगा नहीं तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा विष पैदा करेगा, और वो 100 विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे, और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे। आपको मालूम है कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है, ये गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है,
ये जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना पचता नहीं। कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है, फूल जाता है, ये सब वो लक्षण हैं जब खाना पचता नहीं। तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो विष पैदा करेगा और वो विष आपको बीमार करेंगे। इसलिए महर्षि बागवत ने कहा खाना खाते ही पानी मत पियो। समझ में आया? फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिए? कम से कम एक घंटे तक, एक घंटे बाद पानी पियो। आप बोलोगे जी एक घंटा क्यों? ये जो अग्नि जलने की क्रिया है ये लगभग एक घंटे तक ही चलती है पेट में, उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसके बाद पानी पी लो। तो खाना अगर 10 बजे खाया तो 11 बजे पानी पियो, 11 बजे खाया तो 12 बजे पियो, 12 बजे खाया तो 1 बजे पियो, एक घंटे बाद पानी पियो। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि खाना खाने के पहले पी लें क्या? हाँ पी लो, 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी लो। 10 बजे खाना खाना है, 9:20 पे खूब पानी पी लो, जितना पी सकते हो। 11 बजे खाना खाना है, 10:20 पे पी लो, खूब पानी पी लो 40 मिनट पहले। आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है, खाने के बाद पानी तो नहीं पियेंगे, कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर? तो उसके लिए बागभट्ट जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पियो, मट्ठा। खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पियो, गन्ने का रस पी लो, संतरे का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, अनार का रस पी लो। अब आप कहोगे ये सब महंगी महंगी चीजें बता रहे हैं, गन्ने का रस, संतरे का रस, अनार का रस, पैसे तो है नहीं। तो सबसे सस्ता रस है नींबू का ही रस पी लो, शिकंजी बना के पी लो, वो तो सबसे सस्ता है। तो खाना खाने के बाद या तो दही की लस्सी पियो या रस पियो। और एक तीसरी चीज है, दूध पी सकते। तो खाने के तुरंत बाद पीना है तो दही की लस्सी या मट्ठा, खाने के तुरंत बाद पीना है तो कोई फल का रस, खाने के तुरंत बाद पीना है तो दूध। पानी एक घंटे बाद पियो। और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सवेरे खाना खाते हैं जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ता, तो फलों का रस पीना अच्छा, दोपहर को खाना खाएं तो लस्सी और मट्ठा पीना अच्छा, और रात का खाना खाएं तो दूध पीना अच्छा। जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं जिंदगी में कभी भी 80 रोग उनको नहीं हो सकते। वात पित्त कफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं। तो ये पहला नियम मैंने आपसे कहा। दूसरा नियम एक और है, और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो, घूट घूट भर के पियो। जैसे गरम चाय पीते हैं, गरम कॉफी पीते हैं, गरम दूध पीते हैं, एक एक घूट भर के, एक एक सिप करके, ऐसे ही पानी पीने की आदत डालो। ये मुंह में एक बार गिलास लगा लिया, गटागट उसको खाली कर दिया, ये तरीका गड़बड़ है। एक घूट पानी, दो घूट पानी एक बार में उतना ही पियो। आप बोलोगे ये क्या चक्कर है? बात ऐसी है कि एक एक घूट पानी जब हम पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है, और ये जो मुंह की लार होती है ये क्षारीय होती है, और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है। तो एक घूट पानी पिया, मुंह की लार इसके साथ अंदर गई, दो घूट पिया और ज्यादा गई, बार बार लार अंदर जाएगी तो क्षार पदार्थ पेट के अम्ल के साथ मिलेगा। पेट में अम्ल बनता है, मुंह में लार क्षारीय होती है, तो ये क्षार को अम्ल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, और पेट में अम्लता नहीं होती तो रक्त में अम्लता नहीं होती, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी भी वात पित्त कफ के असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए पानी घूट घूट करके पीना। मैं आपको एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूं, परीक्षण। आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ, मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखना शुरू करो, वो पानी कैसे पीते। किसी चिड़िया को पानी पीते हुए देखो, किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो, वो चोंच के एक बूंद के बराबर ही पानी उठाता है,
एक बार में एक बूंद पानी लेगा, फिर थोड़ी देर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर दूसरी बूंद लेगा, फिर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर तीसरी बूंद। एक एक बूंद पक्षी पानी पीता है, कुत्ते को पानी पीते हुए देखो चाट चाट के पानी पीता है, शेर को पानी पीते हुए देखो चाट चाट के पानी पीता है। जितने जानवर चाट कर पानी पीते हैं, जितने पक्षी एक एक घूंट पानी पीते हैं, किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डायबिटीज नहीं है, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है, कोई पशु ओवरवेट नहीं है, वो सब स्लिम और ट्रिम है, क्योंकि वो इतने होशियार हैं कि पानी चाट के पीते हैं या घूट घूट करके पीते। अब मुझे ये हैरानी होती है कि ये पशु पक्षियों को कौन सिखाता है, वो अपने जन्म से ये ज्ञान सीख के आते हैं, उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई विद्यालय नहीं है, उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगते, फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट पीना। और हम ये मनुष्य जिनके इतने गुरु, इतने विद्यालय, इतने कॉलेज, सीखने वाले, सिखाने वाले, और हम मूर्खों के मूर्ख घटाघट पानी पीते रहते। तो पानी पीने का तरीका बदल दो, घूट घूट भर के पानी पियो, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि जिंदगी में कितनी भी प्यास लगे, ठंडा पानी कभी मत पियो। बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, वाटर कूलर का पानी जिसका तापमान बहुत कम है, ये कभी मत पीना। क्यों? क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी ठंडा है। अब होता क्या है वो मैं समझाता हूं सरल भाषा में। पेट तो गर्म है, अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने, तो अंदर झगड़ा होता है। और झगड़ा क्या होता है? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है, हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होता है, मस्तिष्क के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है, और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है। आपको मालूम है जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते, निकाल के बाहर सड़क पर रख देते। जो घर आपने बनाया अपनी मेहनत से, शरीर के ठंडा पड़ते ही निकाल बाहर करते हैं उस घर में से, और फिर चिल्लाने लगते हैं लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, इसको जला के आओ, माने ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है। तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई, बंद कर दो। कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता, कोई पक्षी नहीं पीता। तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो, सादा पानी पीना शुरू करो। और गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज का और बर्फ का नहीं पीना। ये तीसरा नियम है। और चौथा और आखिरी नियम है कि आप सवेरे ही सवेरे जब सोकर उठते हो तो सबसे पहले पानी पियो। जैसे ही आपकी आंख खुल गई तो पहले 2-3 गिलास पानी पी लो, उसके बाद आप टॉयलेट में जाओ। उठते ही पानी पियोगे तो दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आंत को साफ करता है, और जैसे ही बड़ी आंत की सफाई होगी पेट पे दबाव पड़ेगा और आप संडास घर में जाएंगे, 2-3 मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा। जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी रोग नहीं आता, इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट साफ होना जरूरी है। और उठते ही पानी पियोगे तो मुंह की जो लार है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी। सुबह पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है। ये 4 नियम हैं आयुर्वेद के। पहला नियम, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। दूसरा नियम, पानी को हमेशा घूट घूट भर के पीना। तीसरा नियम, कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। और चौथा और आखिरी नियम, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। 4 नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख सकता है, और जिसका वात पित्त कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है, और जो बीमार नहीं पड़ते हैं वो स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुखी रहते हैं, उनकी जिंदगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है। आपको शायद मालूम है या नहीं, 1 साल में हम जब बीमार पड़ जाते हैं भारतवासी, तो साल का करीब 6 लाख करोड़ रुपया हमारा खर्च हो जाता है।
उन बीमारियों का इलाज करने। इसलिए इतना पैसा फालतू में हम खर्च करें हर साल 6 लाख करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। इससे बेहतर ये है कि हम बीमार ही नहीं पड़ें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और ये 6 लाख करोड़ का जो खर्चा हम करते हैं बीमार पड़ने पर, अक्सर ये एलोपैथी की दवाएं खाने में खर्च होता है। और जो एलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन, ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हमको बीमारियों से ज्यादा गंभीर बीमारियों में फंसा रही। ज्यादातर दवाएं जो आप खाते हो वो किडनी खराब कर देती हैं, लीवर खराब कर देती हैं, आंतों में घाव कर देती हैं, विकलांगता आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। दुनिया में लगभग इस समय 84,000 दवाएं बिकती हैं और आपको सुनकर हैरानी होगी, उनमें से मात्र 117 दवाएं हैं जो काम की हैं, बाकी सब बेकार की दवाएं हैं। उन बेकार की दवाओं को खाकर हम 6 लाख करोड़ खर्च करते हैं, ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। और ये 6 लाख करोड़ का खर्चा समाज के वो लोग करते हैं जिनको जिंदगी में हर समय अपना आर्थिक स्थिति को देख के चलना पड़ता है, जिनकी आमदनी बहुत नहीं है, जिनके घर में आमदनी के बहुत ज्यादा साधन नहीं है, उनको ये पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, किसी का घर बिक जाता है, किसी का खेत बिक जाता है, किसी के घर के गहने गिरवी रख जाते हैं, किसी को कर्ज लेना पड़ जाता है, किसी को कर्ज लेकर दोबारा कर्ज लेना पड़ जाता है। मैंने इस हिंदुस्तान में पिछले 15 साल के प्रवास में देखा कि गांव-गांव के गरीब किसान कर्ज ले लेकर ये महंगी दवाएं खाकर इलाज करते हैं, डॉक्टरों को पैसा देते हैं, दवा कंपनियों को देते हैं, और वो पैसा फिर इस देश में से दूसरे देश में चला जाता है, क्योंकि अक्सर ये दवाएं बनाने वाली कंपनियां विदेशी होती है। तो हम 6 लाख करोड़ खर्च करें अपने खून पसीने की कमाई का, उससे अच्छा ये है बीमार ही ना पड़े, दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े, तो हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो योग प्राणायाम करें, 4 नियमों का जीवन में पालन करें, बहुत आसान है आपके लिए। और अब एक छोटी सी एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब गांव से आए हैं, ग्रामीण रक्षा समिति के लोग काफी दिखाई दे रहे हैं, गांव में आप खेती करते होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। खेती करने वाले किसानों के सामने आजकल इस देश में एक बहुत बड़ा संकट आया है, वो संकट ये है कि किसानों की जिंदगी में कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक अध्ययन किया था महाराष्ट्र राज्य में, और वो अध्ययन ये था कि हिंदुस्तान के जो किसान हैं, भारत के जो किसान हैं, इनके जीवन में खर्चे की स्थिति क्या है। तो उसके लिए कुछ गांवों में मैं घूमा था, कुछ परिवारों में सर्वेक्षण किया था, तो पता चला कि किसान की जिंदगी का सबसे बड़ा खर्चा है खेती का, और खेती में सबसे बड़ा खर्चा है यूरिया और डीएपी का। मैंने हर एक किसान के घर घर में जाके आंकड़े इकट्ठे किए तो पता चला कि कोई किसान अगर 100 रुपए खर्च कर रहा है जिंदगी में, तो 60 रुपए का खर्चा यूरिया डीएपी का है और 20 रुपए का खर्चा कीटनाशक दवाएं छिड़कने का है, एंडोसल्फान, मेलाथियन, पैराथियन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, 20ों किस्म की जहरीली दवाएं छिड़क छिड़क कर हम हमारे किसान की जिंदगी का इनकम का 20% खर्च कर देते हैं। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि आप सब किसान हैं, मैं भी किसान का ही बेटा हूं, मेरे घर में भी खेती होती है, मेरा गांव उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में है, हमारे घर में परंपरा से खेती होती है। हम सब जो किसान खेती करते हैं, एक साल में 21 करोड़ टन अनाज पैदा करते भारत के किसान, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर सब मिलाकर 21 करोड़ टन। इस 21 करोड़ टन अनाज को बाजार में बेचें तो 10 लाख करोड़ रुपए आता है। अब एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि ये 10 लाख करोड़ रुपए जो आता है 21 करोड़ टन अनाज बेचकर, ये जाता कहां है। किसानों की एक साल की पूरी आमदनी 10 लाख करोड़ की है भारत देश, और जो किसान
जानवर पालते हैं, गाय बैल भैंस पालते हैं और उसका दूध बेचते हैं, उनकी आमदनी और 2.5 लाख 3 लाख करोड़ की है। और जो किसान फल पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, उसको भी जोड़ दिया जाए तो कुल आमदनी 15 लाख करोड़ के आसपास है। अब 15 लाख करोड़ की आमदनी अगर किसानों की एक साल में होती है तो हर किसान को इस देश में लखपति करोड़पति होना चाहिए, लेकिन कोई भी किसान इस देश में रोडपति है, बैंक का कर्जदार है, घर गिरवी रखा हुआ है, ट्रैक्टर गिरवी रखा हुआ है, बैल गिरवी रखे हुए हैं, गाय गिरवी रखी हुई है, गहने घर के गिरवी रखे हुए हैं, ऐसी हालत सब किसानों की है। तो मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न आता था कि आखिर ये इतना उत्पादन करके जो बिक्री होता है ये जाता कहां है 15 लाख करोड़। फिर मैंने भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से जानने की कोशिश की, तो सबसे पहले मैंने एक चिट्ठी लिखी कृषि मंत्रालय को और उनके एक मंत्री को पूछा कि भारत के किसान एक साल में जो खेती में कुल उत्पाद बनाते हैं, बाजार में बेचते हैं, दूध आदि बेचते हैं, फल सब्जियां बेचते हैं, उनकी साल की आमदनी 15 लाख करोड़ की है, इनके खर्चे का क्या तरीका है, वो जरा मुझे जानना है। तो कृषि मंत्रालय की तरफ से जवाब आया कि किसान जो अपनी कुल आमदनी करते हैं साल की, उस आमदनी का 4,80,000 करोड़ तो खर्च हो जाता है यूरिया खरीदने में, डीएपी खरीदने में, और करीब 2,20,000 करोड़ खर्च हो जाता है एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान जैसी दवाएं खरीदने में। अब 4,80,000 करोड़ गया यूरिया डीएपी में, 2,20,000 करोड़ चला गया दवाएं खरीदने में, 7 लाख करोड़ तो ऐसे ही डूब गया किसानों का। फिर मैंने पूछा जो बच गया पैसा वो कहां जाता है, तो फिर एक मंत्रालय को मैंने प्रश्न किया था, उनका नाम है कानून और न्याय मंत्रालय, उनके यहां मेरी चिट्ठी गई तो उनका जवाब आया कि भारत के किसान 3.5 करोड़ मुकदमे लड़ रहे हैं, किसान 3.5 करोड़ मुकदमे लड़ रहे हैं, एक किसान वादी है और एक किसान प्रतिवादी है, तो 7 करोड़ परिवार मिलकर ये मुकदमे लड़ रहे हैं और ये मुकदमे आजादी के 62 साल से चल रहे हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती ही जा रही है, किसानों की जेब से पैसा निकल निकल कर वकीलों की जेब में जा रहा है, न्यायाधीशों की जेब में जा रहा है, मुकदमे का फैसला होता नहीं, पैसा किसानों का खर्च होता रहता है। मैंने ये 3.5 करोड़ मुकदमों का एक हिसाब निकाला कि एक मुकदमे पर एक वकील अगर पैरवी के लिए खड़ा हो जाए तो 500 रुपए से कम तो नहीं ही लेता वो, न्यूनतम। और कुछ कुछ तो ऐसे महापुरुष वकील हैं हमारे देश में जो एक दिन के लिए खड़े हो जाएं 5 लाख रुपए फीस ले लेते, ऐसे भी महापुरुष हैं इस देश। तो 500 रुपए सबसे कम और 5 लाख रुपए सबसे ज्यादा, मैंने वो हिसाब निकाला तो पता चला किसानों के इन मुकदमेबाजी में हर साल करीब 2 लाख करोड़ का खर्च हो रहा है इन मुकदमेबाजी। और मुकदमे कैसे हैं, मेरे गांव का एक मुकदमा है जो मैं देख रहा हूं, मेरे गांव में 2 किसान मुकदमा लड़ रहे हैं, उनको 36 साल हो गया मुकदमा लड़ते लड़ते। मामला क्या है, 2.5 एकड़ जमीन का मुकदमा है, एक किसान कहता है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, 36 साल से केस चल रहा है, पहले लोअर कोर्ट में चला फिर हाई कोर्ट में चला गया। अब वो केस में 2.5 एकड़ जमीन मिलने वाली है या तो इसको या तो उसको, और मुकदमा लड़ते लड़ते 36 साल में दोनों किसानों की 20 एकड़ जमीन बिक चुकी है वकील को फीस देने। ऐसे होशियारी के काम हमारे किसान कर रहे हैं। अब भैया फैसला कर लो, 1.25 एकड़ तुम ले लो, 1.25 एकड़ मैं ले लूं, बात खत्म हो जाए, फालतू वकील के पास तो ना जाए। तो वो दोनों किसान कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं फैसला कर लूं, वकील नहीं होने देता। और वकील क्यों नहीं होने देता, क्योंकि वो क्यों चाहेगा उसकी इनकम खत्म हो जाए। तो किसानों की मुकदमेबाजी में जो खर्चा है वो करीब करीब 2 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ वो, 9 लाख करोड़ हो गया। अब एक खर्चा और है जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर के पास भागें, दवाएं खाएं, उसमें खर्च करते हैं हमारे किसान।
ढाई तीन लाख करोड़ उसमें खर्च हो जाता है, तो बचता ही नहीं है कुछ किसानों के हाथ में, सारी इनकम आई और चली गई और फिर किसान कर्जदार हो जाता है। तो आप सब किसानों को हाथ जोड़कर एक निवेदन करने आया, वो ये कि अगर आप श्रीमंत होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, समृद्धशाली होना चाहते हैं, गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसका सबसे सरल उपाय है खर्चा घटाओ और आमदनी बढ़ाओ। दुनिया में अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि जो देश अपने खर्चे जितने घटा सकता है वो देश अपनी आमदनी उतनी ही बढ़ा सकता है, जो परिवार अपने खर्चे जितने घटा सकता है वो परिवार उतनी आमदनी बढ़ा सकता है। तो आप सभी किसान परिवारों से निवेदन है, विनती है, आग्रह है, अनुरोध है कि आप अपनी जिंदगी के फालतू खर्चे घटाओ। तो आप बोलोगे कहां खर्चा घटाएं, सबसे बड़ा खर्चा है उसी को खत्म करो, यूरिया का खर्चा, इसको घटा दो, यूरिया मत खरीदो। दूसरा बड़ा खर्चा है डीएपी का, ये भी मत खरीदो। तीसरा बड़ा खर्चा है कीटनाशक दवाओं का, एंडोसल्फान, मेलाथियन वगैरह, ये भी मत खरीदो। फिर आप बोलोगे तो खेती कैसे करें, खेती करने का मैं एक नया तरीका बताता हूं आपको। मैं भी खेती करता हूं, आप भी वैसे ही खेती करो। 15 साल पहले मैं और मेरे जैसे बहुत किसान यूरिया डीएपी डाल के खेती करते थे, अब हमने यूरिया डीएपी डालना बंद कर दिया है। ऐसे हजारों किसान इस देश में खेती कर रहे हैं जो यूरिया का एक दाना भी खेत में नहीं डालते। तो फिर आप बोलेंगे क्या डालते हैं, गाय का गोबर डालते हैं, भैंस का गोबर डालते हैं, बैल का गोबर डालते हैं, उससे खेती करते हैं। फिर आप बोलेंगे ये गाय बैल भैंस का गोबर डालने से खेती अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। मैं आपको आंकड़ों से बता सकता हूं, 15 साल पहले जो किसान यूरिया डीएपी डालते थे, एक एकड़ में उनको 30 मीट्रिक टन गन्ना होता था। अब वही किसान गाय का बैल का भैंस का गोबर डालते हैं, एक एकड़ में उनको 90 मीट्रिक टन गन्ना होता है, 3 गुना ज्यादा होता है। 15 साल पहले जो किसान गेहूं पैदा करने के लिए एक एकड़ खेत में यूरिया डीएपी डालकर 12 क्विंटल गेहूं करते थे, अब वही किसान 20 क्विंटल 22 क्विंटल तक गेहूं करते हैं गोबर और गोमूत्र डाल के। 15 साल पहले जिन किसानों की एक एकड़ में 2.5 क्विंटल कपास आती थी, अब गोबर गोमूत्र डालकर उनकी 7 क्विंटल कपास आती है। माने उत्पादन अच्छा होता है, कम नहीं होता, ज्यादा होता है। तो आप बोलेंगे ये गोबर गोमूत्र डाल के खेती कैसे की जाती है, इसका एक सरल सूत्र बताना चाहता हूं। जो भी किसान भाई हैं वो इसको लिख लें अपने कागज पर, अपनी कॉपी पर, नहीं तो ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये सूत्र बताने पता नहीं कब कौन दोबारा आपके पास आएगा। ये सूत्र वो है जो खेती में उत्पादन तो ज्यादा देगा और खर्चा आपका पूरा घटा देगा। यूरिया का एक दाना डालना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी फसल आपकी पैदा होगी। क्या करना है, गोबर डालना है, गाय का हो या बैल का हो या भैंस का हो, कितना गोबर डालना है और कैसे डालना है। अभी कई बार हम गोबर डालते हैं तो क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा करते हैं, एक खड्डे में भरते जाते हैं, वो सूखता रहता है, फिर जब सूख जाता है तो उठाकर खेत में डाल देते हैं। ये सूखा हुआ गोबर मत डालो, इससे कोई फायदा नहीं है। गोबर अगर खेत में डालना है तो गीला डालो, वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। ऐसे में एक बात समझाऊं आपको, मैं आपको एक सूखी रोटी दूं खाने के लिए, आप जल्दी नहीं खा पाएंगे, और उसी रोटी को दूध में डाल के दे दूं फटाफट खा लेंगे। एक सूखी रोटी दे दूं नहीं खा पाएंगे, दाल में डाल के दे दूं जल्दी खा लेंगे। गीली चीज जल्दी हजम होती है, मिट्टी को भी और शरीर को भी। तो खेत की मिट्टी में गोबर डालो तो गीला करके डालो। आप बोलेंगे कैसे करना है, एक एकड़ खेत अगर हमारे पास है मान लो, तो एक एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोबर चाहिए, गाय का या बैल का या भैंस का। अब 15 किलो गोबर चाहिए और 15 लीटर मूत्र चाहिए, गाय का या तो बैल का या तो भैंस का। अब आप कहोगे गोबर इकट्ठा करना तो आसान है, मूत्र कैसे इकट्ठा करें, मूत्र इकट्ठा करना भी आसान। गाय बैल भैंस जब मूत्र देते हैं ना तो उसका समय एकदम पक्का है, गाय के बछड़े और बछड़ी को दूध पीने के लिए छोड़ो तुरंत पेशाब करती है, डब्बा लगा के भर लो, ऐसे ही बैल करता है
ज्यादा देर बैठ के बैल खड़ा होगा, पेशाब करेगा, डब्बा भर लो, तो मूत्र ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि जहां जानवरों को हम रखते हैं वहां पत्थर बिछा दो, ईंट बिछा दो, थोड़ा पक्का कर दो, सीमेंट लगा दो, ढाल बना दो, एक नाली बना दो, नाली में खड्डा बना दो, तो जो भी मूत्र गिरेगा वो खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा। और गाय के मूत्र की, बैल के मूत्र की, भैंस के मूत्र की विशेषता है कि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये खराब ही नहीं होता, एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल, पचास साल, कभी खराब नहीं होता। तो भरे रहा है गड्ढे में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उस गड्ढे में से उठाते रहो। 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, दोनों को मिला लो, हाथ से ही मिला लो, एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो, उसमें मिला लो। मिलाने के बाद इसमें 1 किलो गुड़ डाल दो, गुड़, और गुड़ ऐसा डालना जो पुराना हो, जिसको कोई खाता ना हो, काला काला हो जाता है एकदम पानी जैसा, जिसको हम छूना भी पसंद नहीं करते, वो गुड़ इसमें डाल दो 1 किलो। और 1 किलो डाल दो कोई भी दाल का आटा या चोकर, चोकर समझते हैं, गेहूं का आटा छानने के बाद जो निकलता है, क्या कहते हैं उसको, चोकर कहते हैं, वो डाल दो 1 किलो। या अगर सस्ती दाल हो घर में उत्पादन की हुई तो उसको पीस के 1 किलो डाल दो, तो 1 किलो चोकर या 1 किलो दाल का आटा। और इसमें डालो 1 किलो मिट्टी। मिट्टी कहां से लानी है, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। तो 1 किलो मिट्टी, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो गुड़, 15 लीटर मूत्र, 15 किलो गोबर, ये 5 चीजें एक ड्रम में मिला दो। मिलाने के बाद 15 दिन इस ड्रम को छांव में रखो, धूप में मत रखना, छांव में, पेड़ के नीचे रख दो। छांव में रखने के बाद 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगा। फिर इस खाद में 200 लीटर पानी मिलाओ, और पानी मिला के जो घोल तैयार हुआ इस घोल को खेत की मिट्टी पे छिड़क दो। अगर खेत खाली है तो सीधे छिड़क दो, और खेत में फसल खड़ी है तो पानी के साथ इसको लगा दो। फसल में आप पानी देते हो ना, उसमें डब्बे से मिलाते जाओ, पूरे खेत में पहुंच जाएगा। अब ये खाद, गोबर, गोमूत्र, दाल का आटा, गुड़ और मिट्टी वाला जो तैयार होता है ना, ये यूरिया से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। हमने इसकी प्रयोगशाला में जांच कराई तो यूरिया डीएपी में जितनी ताकत है मिट्टी को देने के लिए, उससे 6 गुनी ज्यादा ताकत इसमें है, इसलिए इससे उत्पादन ज्यादा आता है। और इस खाद को हर 21 दिन में खेत में डालते जाओ। हर 21 दिन में अगर आपने डाला तो पूरे साल की एक साइकिल बन जाती है। जैसे 3 महीने की फसल है तो 4 बार डलेगा, 4 महीने की फसल है 5 बार डल जाएगा, 6 महीने की फसल है 7 बार डल जाएगा। हर 21 दिन पर यह खाद डालते जाओ, परिणाम क्या होगा, मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। और ये खाद डालने से मिट्टी में केंचुए बहुत हो जाते हैं, और केंचुओं के बारे में आप जानते हैं, केंचुए मिट्टी में ऊपर नीचे घूमते हैं और मिट्टी को खोदते रहते हैं, और केंचुए मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, पोला बनाते हैं। फिर बारिश का पानी जब गिरता है मिट्टी पे तो एक एक बूंद पानी नीचे चला जाता है, अगर केंचुए ज्यादा हो तो पानी पूरा नीचे चला जाता है, माने बहकर बेकार नहीं जाता है। और केंचुए ज्यादा है ना तो केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं, और जो कुछ भी वो निकालते हैं मल के रूप में वो दुनिया की सबसे अच्छी खाद है। तो आपके खेत की मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ाओ, और वो गोबर की खाद से बढ़ती है, क्योंकि केंचुए को गोबर पसंद है। अगर आप एक बार गोबर की खाद डाल दोगे, कहीं से भी केंचुआ घूमता हुआ खेत में आ जाएगा। और केंचुआ बड़ा विचित्र जीव है, 24 घंटे काम करता है, कभी छुट्टी नहीं करता, कभी संडे नहीं, कभी मंडे नहीं, और फोकट में काम करता है, कभी टीए नहीं, कभी डीए नहीं, कभी एचआरए नहीं, न छुट्टी लेता है, न तनख्वाह लेता है। और ऐसा विचित्र जीव है ये केंचुआ कि साल भर ये जिंदा रहता है, और साल भर में 1 लाख बच्चे पैदा करके ही मरता है। वो ये नहीं मानता हम दो हमारे दो, वो एक केंचुआ 1 लाख पैदा करता। तो खेत में एक केंचुआ आया तो 1 लाख हो गए, 1 लाख और 1-1 लाख करेंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। और जिस खेत में केंचुए ज्यादा हैं वहां की मिट्टी तो सोना पैदा करती है, ये सारे दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं। केंचुओं की संख्या बढ़ाओ, मिट्टी में सोना उपजेगा, खूब पैदावार होगी, खूब फसल मिलेगी। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया।
अब दो तीन मिनट में एक और बात कह के मैं व्याख्यान खत्म करूंगा, समय हो रहा है। अब आपको मैंने खाद बनाने का एक तरीका बता दिया, अब दवा बनाने का भी एक तरीका बताता हूं। ये खाद तो आप खेत में डालोगे बहुत उत्पादन मिलेगा, लेकिन अगर आपका पड़ोसी किसान ये खाद नहीं डाल रहा है तो एक गड़बड़ी होगी, उसके खेत में कीड़े लगेंगे। जिस खेत में यूरिया पड़ता है कीड़े उसी खेत में लगते, जहां डीएपी लगता है सबसे ज्यादा फसल को बर्बादी उसी खेत में आती है। तो पड़ोस का किसान नहीं माना, वो यूरिया डालेगा, कीड़ा उसके खेत में आएगा, फिर वो आपके खेत में भी घुस सकता है, क्योंकि कोई बाउंड्री तो बनाई नहीं है आपने। तो कीड़े मारने के लिए क्या करेंगे फिर? उसके लिए एक दूसरा सूत्र बताता हूं, कीड़े मारने की दवा भी आप खुद बना लो, बाजार से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। 20 लीटर मूत्र ले लो किसी भी जानवर का, गाय का हो, बैल का हो, भैंस का हो, किसी का भी हो। अब इस 20 लीटर मूत्र में 2 से 2.5 किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो। नीम तो है, सब गांव में है, नीम की निम्बोली भी आती है, तो निम्बोली पीस के डाल दो, नहीं तो नीम के 2.5-3 किलो पत्ते पीस के डाल दो। फिर एक सीताफल का पेड़ होता है, देखा है, उसके पत्ते पीस के डाल दो 2-2.5 किलो। फिर एक पेड़ होता है उसको आंकड़ा कहते हैं, कहीं कहीं आक कहते हैं, कहीं आंकड़ा कहते हैं, उसको अकौआ भी कहते हैं, तो उसका 2.5-3 किलो पत्ता पीस के डाल दो। फिर और एक पेड़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेशरम, आप पता नहीं क्या कहते हैं, ये कैसा होता है मैं बताता हूं। बेशरम कहते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छा, पान के जैसा पत्ता होता है, बिना बीज के होता है, बिना पानी के, इसलिए बेशरम कहते हैं उसको, हर गांव में होता है। तो 2.5-3 किलो बेशरम के पत्ते ले लो, 2-2.5 किलो नीम के पत्ते ले लो, 2.5-3 किलो इसके पत्ते ले लो सीताफल के, और 2.5-3 किलो आंकड़े के पत्ते ले लो, और इसमें 0.5-1.5 किलो तंबाकू पीस के डाल दो, और इसको खूब उबालो गोमूत्र में। उबालते समय इसमें एक काम और कर सकते हैं, 0.5 किलो लहसुन पीस के डाल दो, 0.5 किलो खूब तीखी मिर्च पीस के डाल दो, और उबाल के इसको ठंडा कर लो। ठंडा करके इसको छान लो। अब जो घोल बन गया है इसमें 200 लीटर पानी मिला दो, और ये 1 एकड़ फसल को किसी भी तरीके से सुरक्षित रख सकता है, और इसको स्प्रे कर दो खेत में, तैयार हो गए। अब इस दवा को जब छिड़कना है तब छिड़क लो, बना के रखना है तो बना के रख लो, एक एक साल दो दो साल ये दवा खराब नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी एक्सपायरी डेट हो। तो कीटनाशक दवा बना लिया और खाद बना लिया। और अब तीसरा एक काम और कर लेना कि बीज जब खेत में डालते हैं तो बीज को खेत में डालने से पहले संस्कारित कर लेना। और संस्कारित कैसे करना, मान लो बीज लगाना है हमको गेहूं का, तो गेहूं का बीज लेना, पहले बीज बोने से 2 दिन पहले उसको 1 किलो गोबर, 1 लीटर मूत्र और 100 ग्राम चूना, चूना आप समझते हो कलई चूना, 100 ग्राम कलई चूना, 1 किलो गोबर, 1 लीटर मूत्र, ये तीनों को मिला लो। कलई चूना को मिलाने का तरीका है कि पहले उसको पानी में डालो, खूब पानी को वो गर्म कर देगा, फिर ठंडा हो जाए तब उसको गोबर और मूत्र में मिला लो, मिला के ये घोल में गेहूं का बीज डाल दो और रात में डाल दो, सवेरे उस बीज को निकाल लो, निकाल के उस बीज को छांव में सुखा दो, और छांव में जब बीज सूख जाए फिर उसको खेत में लगाओ, तो इस बीज पर कभी भी कीड़ा नहीं आता, कोई कीट नहीं लगता, इतना बड़ा इंतजाम पहले ही हो जाता है, तो खर्चा बच गया और उत्पादन ज्यादा आता है। तो बीज संस्कार करके लगाना, खाद बनाने का तरीका बता दिया, कीटनाशक का तरीका बता दिया, और ये तीनों तरीके अगर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, एंडोसल्फान का 7 लाख करोड़ रुपया साल का हम बचा सकते हैं। और ये रुपया बचा के गोबर गोमूत्र से खेती करते हैं तो जानवरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, और जानवरों की संख्या अगर बढ़ती है तो दूध भी ज्यादा मिलेगा, गोबर गोमूत्र भी ज्यादा मिलेगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब किसान इसी तरीके से गेहूं पैदा करो, चावल पैदा करो, चना करो, दाल करो, हम भारत स्वाभिमान की तरफ से आपका सब खरीदने को तैयार है, क्योंकि भारत स्वाभिमान अगले साल से 1000 दुकानें खोलने जा रहा है पूरे देश में, जहां गोबर गोमूत्र का गेहूं मिलेगा, गोबर गोमूत्र का चावल मिलेगा,
गोबर गौमूत्र का चना मिलेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑर्गेनिक, एकदम शुद्ध देशी खाद का बनाया हुआ, गोबर का बनाया हुआ गेहूं चावल चना दाल मिले, ऐसी हजार दुकानें हम खोल रहे हैं। उन दुकानों पर आप जो पैदा करेंगे वो बेचने के लिए हम सुविधा देंगे, और आप बेचकर अपना मुनाफा रखो। दुकान चलाने के लिए 5-7% जो खर्चा आता है वो उसी में से निकल जाएगा, वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे सारे देश में हम चलाना चाहते हैं। तो हम बेचने में मदद करेंगे, आप उत्पादन करो, और जब ये उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको दुनिया भर के देशों में बेचना चाहते, और दुनिया भर के देशों में ये बेचेंगे 4 गुना मुनाफा आएगा। मैंने लंदन में देखा एक डिपार्टमेंटल स्टोर में यूरिया डीएपी का आलू है 1 स्टर्लिंग पाउंड का 1 किलो, और गोबर गोमूत्र का आलू है 4 स्टर्लिंग पाउंड का 1 किलो, 4 गुना महंगा बिकता। मेरे कई दोस्त हैं वो किसान हैं, महाराष्ट्र में आम की खेती करते हैं, वो गोबर गोमूत्र का आम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक आम की कीमत 65 रुपए मिलती, और यहां यूरिया डीएपी का आम बेचते हैं तो 15 रुपए किलो में सब चला जाता। कहां 65 रुपए का एक आम, कहां 15 रुपए का 1 किलो। तो मैं चाहता हूं कि सारे किसान जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस उपलब्ध हो, तो सारी दुनिया में हम ये माल बेच सकते हैं, और पूरी दुनिया में भारत अकेला देश है जो ये सामान बेच सकता है, क्योंकि जो गाय और बैल हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। दूसरे देशों के पास जो गाय है वो जर्सी गाय है, होलिस्ट्रियन और फ्रीजियन है, उसका गोबर ही काम का नहीं है, वो बिल्कुल बेकार, उसका मूत्र भी काम का नहीं। देशी गाय है ना, उसी के गोबर में ताकत है, जर्सी और विदेशी गाय का गोबर तो बिल्कुल बेकार है। तो इसमें जब गोबर लेना तो देशी गाय का, और मूत्र लेना तो देशी गाय का। और एक छोटी सी आखिरी बात कहता हूं किसानों के लिए कि जिस गाय का गोबर गोमूत्र खेत में डालो 7 लाख करोड़ बचे, इसी गाय का देशी गाय का मूत्र अगर आप पीना शुरू करो तो 6 लाख करोड़ और बचेगा, बीमारी ही नहीं आएगी, और गाय का मूत्र पियो तो सब बीमारी मिट जाएगी। मैं पिछले 12 साल से परीक्षण करता हूं, 48 बीमारियां हमारे शरीर की ऐसी हैं जो गाय के मूत्र से जड़ से ठीक हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिड अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया, ऐसी खतरनाक 48 बीमारियां गाय मूत्र पीने से जड़ से ठीक हो जाती है। आप बोलेंगे कैसे पीना है, आधा कप गाय का मूत्र सवेरे सवेरे खाली पेट पीना है, सवेरे सवेरे रोज बस, और देशी गाय का पीना है, 3-4 महीने लगातार पी लो, सब बीमारी मिट जाएगी। आंखों में बीमारी है तो एक एक बूंद गाय का मूत्र आंखों में डाल लो, आंखों की बीमारी मिट जाएगी। कान में बीमारी है, कान में डाल लो, कान की बीमारी मिट जाएगी। सिर के बाल अगर झड़ते हो और बहुत ज्यादा रूसी आती हो डेंड्रफ, गोमूत्र को पानी में मिला के बाल की मालिश कर लो, वो भी बीमारी मिट जाएगी। पांव में ठेक पड़ जाती है कई बार और पांव कट जाते हैं, फट जाते हैं, क्रैक्स, गाय मूत्र की मालिश करके रात को सो जाओ, ये बीमारी भी मिट जाएगी। खाज हो जाए, खुजली हो जाए, गोमूत्र की मालिश करो, खाज खुजली मिट जाएगी। दाद हो गया, एक्जिमा सोराइसिस, उस पर मालिश करो, वो भी मिट जाएगी। ऐसी बीमारी नहीं जो गोमूत्र से ना मिटे, बस इसको पीना है और लगाना है। अब बहुत लोग कहते हैं गोमूत्र पिएंगे कैसे, उसमें बास आती है, तो मुझे ये बताओ दारू कैसे पी लेते हो, उसमें तो और भी बास आती है। दारू की बोतल पे बोतल गटक सकते हैं तो गोमूत्र क्यों नहीं पी सकते। बस आधा कप पीना है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि जो लोग आधा कप गोमूत्र रोज पी सकते हैं उनकी दारू छूट जाती है, क्योंकि गाय के मूत्र में भी सल्फर है और बहुत अधिक मात्रा में। दारू छूटती है, बीड़ी छूटती है, शराब, गुटखा, मावा, पान पराग सब छूट जाता है। और कभी कभी मुंह खराब हो जाता है ना, गुटखा खा खा के और इतना खराब हो जाता है कि मुंह में फोड़ा हो जाता है, जिसको हम कैंसर की पहली स्टेज कहते हैं। उसमें गोमूत्र मुंह में भरो, ऐसे ऐसे मुंह में भर के उसको घुमाओ और कुल्ला करना शुरू कर दो, वो फोड़ा भी मिट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोमूत्र से मुंह का फोड़ा मिटा के फिर गुटखा खाएं, छोड़ देना ही अच्छा।
तो आप इस गोमूत्र का दवा के रूप में इस्तेमाल करो, व्यसन को छोड़ने में इस्तेमाल करो, शरीर की बीमारियों को दूर करने में इस्तेमाल करो। माताएं बहनें यहां बैठी हैं, उनको एक बात बताने का दिल कर रहा है कि बहुत सारी माताओं बहनों को जब गर्भावस्था होती है ना, तो डॉक्टर कई बार कहता है कि सीजेरियन ऑपरेशन कराओ, नहीं तो बच्चा नहीं आएगा, और उसके 20 बहाने वो बताते। कभी कहेंगे जगह छोटी है, कभी कहेंगे ये बीमारी, कभी वो ये। आप कुछ मत करो, बस एक काम करना, किसी गाय की बछड़ी का मूत्र लेना आधा कप, और उसमें 100 ग्राम गोबर उसका घोल लेना। गोबर मूत्र घोल के उसको कपड़े से छान लेना, और जिस मां को गर्भावस्था है और डॉक्टर चिल्ला रहा है कि ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन मत कराना, वो पिला देना उसको 2-3 घूंट सुबह, 2-3 घूंट दोपहर, 2-3 घूंट शाम। रात को बच्चा अपने आप बड़े आराम से बाहर आ जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़े। मैंने हजारों माताओं बहनों की डिलीवरी इस गोबर गोमूत्र से फोकट में कराई, और ये गोबर गोमूत्र में इतनी ताकत है। मैं आपको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी को सरल भाषा में समझाता हूं। बच्चा कई बार उल्टा हो जाता है गर्भाशय में, तो डॉक्टर कहते हैं अब तो कोई इलाज नहीं, काटना ही पड़ेगा पेट। गोबर गोमूत्र की 3 डोज दे दो, वो उल्टा बच्चा सीधा हो जाता है। गाय के मूत्र में इतनी ताकत है, इसलिए आप इसको पीना शुरू करो, पिलाना शुरू करो। इसका इलाज सबसे अच्छा है, खर्चा कुछ नहीं है, पैसे कोई जाने वाले नहीं, गाय अपने पास है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, बार बार आप गाय का मूत्र पियोगे, अपनी बीमारी ठीक करोगे, तो आपके मन में गाय के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। अभी तक तो आप दूध पीते थे, लेकिन दूध तो गाय हमेशा देती नहीं है, तो उस गाय को कसाई को बेच देते हैं। अब मूत्र तो जिंदगी भर देगी, तो मैं किसानों से कहता हूं गाय को दूध के लिए मत पालो, मूत्र के लिए पालो। दूध मिले तो बोनस है, मूत्र असली है। और जो गोमूत्र पीना शुरू किया, आंख में डालना शुरू किया, बीमारी मिटती है। आंखों की एक बीमारी है जो दुनिया में कभी ठीक नहीं होती, उसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, अमेरिका में भी इलाज नहीं है उसका। और एक ग्लूकोमा, बिना ऑपरेशन ठीक ही नहीं होता। ये दोनों बीमारी एक एक बूंद गोमूत्र से 3 महीने में जड़ से मिट जाती है। जिनको चश्मे चढ़ गए हैं ना, चश्मा उतारना है तो गोमूत्र डाल लो तो चश्मा उतर जाता है। सब तरह की बीमारी आपकी खत्म करता है गाय का मूत्र, क्योंकि गोमूत्र में 18 तरह के रासायनिक तत्व हैं। सल्फर उसमें है, कैल्शियम उसमें है, आयरन उसमें है, मैग्नीशियम उसमें है, मैग्नीज उसमें है, भगवान के दिए हुए हैं, प्रचंड मात्रा में है, मुफ्त में है, और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो गोबर गोमूत्र को खेत में डालो तो यूरिया का खर्च बचेगा, शरीर में पियो तो 6 लाख करोड़ की बीमारी का खर्च बचेगा। तो खाली गाय से ही 1 साल में इस देश का 15 लाख करोड़ का फायदा हम करा सकते हैं, और ये ताकत हम में से हर किसान में है। और ये ताकत का अंदाजा किसानों को लग जाए तो भारत देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता, और हमको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। हम तो पैदा करके दुनिया को खिला सकते हैं, इतनी ताकत गाय के गोबर और मूत्र में। बस अब एक काम करना, एक संकल्प ये लेके यहां से उठना कि गाय पालेंगे, उसको कसाई को नहीं बेचेंगे। मुझे दुख इस बात का है, गाय पालता है हिंदू, काटता है कसाई। क्यों? हिंदू बेच देता है, कसाई काट देता है। और हिंदुओं को पूछो भाई गाय क्यों बेची, कहने लगे जी दूध नहीं देती। दूध तो थोड़े दिन के बाद अपनी अम्मा भी नहीं देती, उसको भी बेचोगे? गाय अपनी मां के जैसी है, उसको कभी बेचना नहीं, किसी कसाई को देना नहीं, बहुत पाप पड़ेगा। अगर उसकी मृत्यु होती है तो ऐसे ही उसका अंतिम संस्कार करो जैसे अपने घर के लोगों का किया जाता है, अच्छा सा खड्डा खोद के उसको गाड़ दो। और मैं तो एक तरीका बताता हूं कि गाय मर गई तो उसका चमड़ा कभी मत उतारना, बहुत पाप लगता है। उसको ऐसे का ऐसा ही दफन करना, खड्डा खोद के, और जहां गाय को दफन किया वहां आम का एक पेड़ लगा देना। 3 साल में वो पेड़ इतने फल देगा कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। मैंने ये किया है, गाय का शरीर जिस मिट्टी में दफन हुआ वहां आम का पेड़ लगा दिया, और दूर एक दूसरा आम का पेड़ लगा दिया। उस आम के पेड़ पे 100 फल आते हैं, तो गाय के शरीर वाले आम के पेड़ पे 400 से 500 फल आते हैं।
चार पांच गुना ज्यादा उत्पादन है। और आम बड़ा होता है और एकदम मीठा होता है, माने गाय जिंदा रहते इतनी हमारी मदद करती है, मरने के बाद भी इतनी मदद करती है, इसलिए इसको कसाई को तो देना नहीं। और गाय को काटें उसका मांस बिके 10,000 रुपए, गाय को जिंदा रखें और उसके मूत्र से दवा बनाकर बेचें तो साल की आमदनी 2,00,000 रुपए है एक गाय की। इसलिए गाय फालतू नहीं है, बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान। तभी तो हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने कहा कि गाय में 33 करोड़ देवता हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और जो देवता है ना, उनमें गोबर में तो लक्ष्मी है और गोमूत्र में धन्वंतरी है। ये आप समझ में आया, मेरी अम्मा मुझे समझाती थी दादी कि गोमूत्रे बसति लक्ष्मी, सॉरी गोमय वसति लक्ष्मी, गोमूत्रे धन्वंतरी, ऐसा एक संस्कृत सूत्र हमने सीखा था। अब गाय के मूत्र में धन्वंतरी, गोबर में लक्ष्मी, तब समझ में नहीं आया, अब आया कि गोबर डालते हैं खेत में, खूब अन्न पैदा होता है और बहुत महंगे दाम पर विदेशों में बिकता है, तो डॉलर के डॉलर आते हैं, तो लक्ष्मी ऐसे है गोबर में। और मूत्र को उपयोग करते हैं तो बीमारी मिटती है, बीमारी मिटे तो धन्वंतरी ही है फिर। तो गोबर गोमूत्र में भगवान है, ये ध्यान रख के आप अपने घर में गाय लेके आओ। और मेरा तो आपको कहना है कि जर्सी गाय जो गलती से लाई हो तो तुरंत बेचो, देशी लेके आओ। जर्सी बेचोगे तो 3 देशी गाय आएगी। जर्सी खाती भी ज्यादा है, हगती भी ज्यादा है और बिल्कुल बेकार है उसका गोबर, ना उसका गोबर काम का ना मूत्र काम का। आप कहोगे जो दूध ज्यादा देती है, वो दूध बिल्कुल बेकार है, कोई पीने लायक नहीं है। दुनिया के किसी देश के लोग जर्सी गाय का दूध नहीं पीते, भारत को छोड़कर। डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है, फिर भी वो दूध नहीं पीते, क्योंकि कहते हैं इससे कैंसर होता है, अर्थराइटिस होता है। तो इस जर्सी गाय को बेच के देशी गाय लाओ और उसको पालो, तो आपका ये जीवन सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। और मैं तो मानता हूं गाय का सबसे बड़ा मूल्य है, सवेरे ही सवेरे सोकर उठो और गाय के चेहरे का दर्शन करो तो भगवान का दर्शन हो गया। इतना आनंद और इतनी खुशी मिलती है गाय का दर्शन करने में। आंखें देखो कितनी सुंदर हैं, चेहरा कितना सुंदर है। तो ऐसी गाय पालकर अपनी खेती सुधारो, खुद को सुधारो, देश को सुधारो, ये निवेदन करके मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ी ध्यान से गंभीरता से सुना, और निवेदन करता हूं कि ये करना जरूर। अच्छा ये बताओ करोगे, कौन कौन करेगा जरा हाथ तो उठाओ, बहुत बढ़िया। और जब ये पैदा होने लगे गेहूं चावल चना दाल, तो मुझे पतंजलि समिति को बताना, हम उसके बिकवाने के लिए आपकी पूरी मदद करेंगे। अच्छे से अच्छा भाव आपको मिले, अच्छी से अच्छी कीमत पर ये चीजें बिकें, उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे।